हम लोग अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, बस हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। यार ये वीर को हर जगह पता नहीं इतना टाइम क्यों लगता है, वॉशरूम में टाइम लगता है, नहाने में टाइम लगता है। अब इसको देख लो यहाँ पे, तो हेलो गाइस, हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं, पारुल बताओ कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मैसूर और वो है बेंगलोर में, और बेंगलोर में हम लोग जा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश पूरे एमपी की समस्याओं का हल लेने। मतलब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो हम वहाँ जाकर बताएंगे। और हम लोग सुबह के 7 बजे बेंगलुरु पहुँच रहे हैं। और बेंगलोर में आते ही मुझे एक फैन मिल गई थी, फिर मैंने उसके साथ फोटो ली। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हमारे होटल, और गाइस यहाँ पे फेमस है गजरा, और ये यहाँ का ट्रेडिशन है। और यहाँ पे आके आपने इडली डोसा नहीं खाया तो क्या लग रहा है? ये आदमी हमारी डाइट तुड़वाने के लिए यहाँ लाया है और ये निपटा रही है। मैंने एक बात खा रही हूँ, झड़ झड़ के खा रही है। और फाइनली हम हमारे होटल आ गए हैं। मेरी हालत देखो गाइस कैसी हो रही है। अरे वाह, यहाँ पे तो कछुए को भी गजरा लगाया है, कितना क्यूट लग रहा है ना। और ये दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है गार्डन में टहल रहे हैं। मतलब इतना थकने के बाद भी इतनी एनर्जी कैसे है इनमें? अब लो मुझे ही देख लो, मेरी हालत कैसी हो रही है, मुझे में तो कुछ भी एनर्जी नहीं है। तो इसलिए आए हम लोग मौसंबी का जूस पीने। विदाउट शुगर? विद शुगर, यस, विदाउट शुगर। मैंने 90 वाले लोगे सोचा क्या था, आया क्या जूस सैलेड बुलवाया था हमने, ऐसा ही धोखा होता है नई जगह पे। नई जगह पहले पूछ रहा था क्या साइज आएगा, पहले साइज मतलब एक किला भी नहीं उसके अंदर, एक किला। और कुछ खाने पीने के बाद हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। ये कितना होता है? 28,000, छोटा वाला 15,000। और ये स्नेक फ्राइज प्राइस 22,000 चंदन लकड़ी ना, शीशम की, शीशम की लकड़ी। आपको पार्सल से आ जाएगा, पार्सल से भेज के देंगे। अरे घर पे तो यूनिक हो जाएगा, कुछ कोई नहीं रखता इसका, सही लग रहा है। और ये फ्रूट्स के अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं खा सकते। सारे जूस पीने में नहीं खा सकते। क्या फायदा? मैं तो तुमको बोल रही हूँ, तुम बहुत बेकार हो यार सही में। देखो ये और ये पेड़ मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। आप लोगों को पता है गाइस ये काहे का पेड़ है? कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ पे हम लोग हो गए रेडी और जाने के लिए तैयार। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं? मैसूर, ठिक्की बिक्की कम्युनिटी। और क्या वहाँ पे क्या था? इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी रिसेंट में आए थे। इस वीडियो में क्लिप भी लग जाएगा तो आप देखना, उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया उन लोगों ने। सो नाउ सी नेक्स्ट हम क्या करते हैं। तो जहाँ मोदी जी गए थे वहाँ हम भी जाएंगे, हम मोदी भागे थे। चलो बटन तो दबा लो। तीन मिनट हां जी, अनुमति। यहां पे लुंगी पहन रहे हैं और आप इसमें दबा लो। हमें मैं तो साड़ी देख रही हूँ।
बताऊंगी कि वो ऑयल कैसे बनता है। आओ गाइस, आप देख सकते हो बदक कितनी इतरा रही है, बदक कितनी इतराती है, देख सकते हो बदक का इतराना, आप देख सकते हो मटल रही बदक, बदक बदक कितनी इतरा रही है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं जहाँ पे बनता है आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, और ये बनता है 108 जड़ी बूटियों से। तो हम भैया से पूछेंगे कि ये कैसे बनता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो भैया बताइए, आपके इतने सुंदर घने बाल कैसे हैं? देखिए, हम मैसूर कर्नाटक में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। ये तेल 108 प्रकार की जड़ी बूटी से तेल बनता है। ये तेल यूज़ करने से जो झड़ने से बाल रुकवाट करता है, जो पतले कमज़ोर बाल है उसको जोड़ों से मोटापा करता है, शरीर में जो गर्म हीट की वजह से जो बाल झड़ जाता है वहाँ नए डेवलप करके लंबे बाल करके आता है। ऐसे वाली एक बोतल लगाइए, ऐसे ही घना ग्रोथ डॉट करके मजबूत करके बाल होता है। देख सकते हो इतने तो बाल मेरे भी नहीं है, इसके आधे ही है मेरे बाल। गाइस आप लोग देख सकते हो 3 से 4 महीने के बाल इतने लंबे और इतने घने हैं। तो आप बताएंगे भैया कि कौन सी जड़ी बूटियां हैं? ये जो जड़ी बूटियां हैं इसमें सूखा आंवला और कच्चा आंवला और 108 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। मतलब जो ये जड़ी बूटियाँ का मतलब इतना सारा नाम तो हम लोगों को इतना नहीं आता, फटाफट जितना हिंदी हम लोग इतना नहीं जानते। कुछ जड़ी बूटी मैंने जड़ी बूटियों का नाम हम बता सकते हैं। इसमें यलमुरी, बेलमुरी, कक्कन का है, जाजी का है, माजी का है, और अपना ये रक्त चंदन, बावले और पदोरी का जड़, वो सब जड़ी है इसमें। पूरे आप देख सकते हो कितनी जड़ी बूटियाँ है। ये बचा है सूखी जड़ी बूटियाँ, और आपको बनाने का तरीका उधर भी हम दिखाएंगे किस प्रकार के हम लोग जड़ी बूटियाँ डाल के पका बनाते हैं करके जी। तो गाइस अभी तक के हम लोगों को सिर्फ जड़ी बूटी आंवला, शिकाकाई, रीठा यही पता था, और आपने देखा भैया ने कितनी सारी जड़ी बूटी का नाम बताया है। ये कितने महीने के बाल है और कितने महीने में लंबे हुए हैं? मैडम ये 3 से 4 महीने का बाल है। 3 से 4 जी। और आपके? ये मेरा 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना, और मुझे तो ऐसे बाल चाहिए एकदम। ये कितने महीने के बाल है? 6 महीने के। अब हम लोग आए हैं इस ऑयल में कौन सी जड़ी बूटियाँ डालते हैं और ये ऑयल कैसे बनता है, मुझे बताओ ये ऑयल कैसे बनता है। मैडम जैसे कि मैंने बोला था आपको कि इसमें कच्ची जड़ी बूटियाँ और सूखी जड़ी बूटियाँ डालते हैं। पहले कच्ची जड़ी बूटियाँ डाल करके 6 से 7 घंटे तक अच्छी तरीके से पकाना चाहिए। पकाने के बाद में और ये सूखी जड़ी बूटियाँ, उसके बाद में सूखी जड़ी बूटियाँ डालते हैं। सूखी जड़ी बूटियाँ डाल करके 1 घंटा पकाने के बाद में हम लोग 2 दिन ऐसे ही रखते थे। मैडम हम लोग ये ऑयल बना सकते हैं? जी जरूर, हेल्प कर दीजिएगा थोड़ा, मैं सूखी जड़ी बूटियाँ लेके आता हूँ। तो कितना कितना डालते? थोड़ा थोड़ा करके डालिए। अच्छा आपने डाल रखे हैं, हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं। थोड़ा थोड़ा डालिए, आप डालिए थोड़ा सा, ज्यादा डालिए। हाँ जी हाँ। ये क्या है? ये हम बोलते हैं ये उंद्रानु गुरु। हाँ। और ये क्या है? ये पदोरी के जड़। पदोरी का जड़। ये यलमुरी बलमुरी बोलते सर, एलमुरी बलमुरी भी डाल चुकी है इसमें। इसमें रीठा भी डालते हैं सर। और ये रीठा, गाइस रीठा तो आपने देखा ही होगा, ये रीठा से तो आपके बाल एकदम नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 108 जड़ी बूटी डाल तो हम अभी साथ में नहीं सकते हैं, बाकी वो लोग कर लेंगे, पर मैं जितना कुछ खुद ने देखा है सब मेरी आंखों के सामने डाल रहा है, और सब कुछ ओरिजिनल है, सब हर्बल है। और हम अभी आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह बताते हैं, कहाँ से लेना है आपको, कैसे लेना है, सब कुछ आगे। गाइस ये 100% ट्रस्टेबल है। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे आदिवासी फेक ऑयल बिक रहे हैं, तो आप लोगों को ये कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करना है ताकि आप फेक फ्रॉड होने से बच सके। स्क्रीन पे भी आपको हम नंबर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन पे भी रहेगा। उस फेक ऑयल से बचने के लिए, कॉन्टेक्ट करने के लिए इसी नंबर पर करें, मैसेज करें, या आपको ऑनलाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दिलवा सकते हैं ऑयल। और इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल करके कंफर्म भी कर सकते हो। इसलिए जब भी ऑयल लेना हो तो इन्हीं नंबर से लेना है, आपको कॉन्टेक्ट करना है। आपके घर पे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी होगी वहाँ ऑयल मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से जाओ गाइस, व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, कॉल करो और ऑर्डर करो। थैंक यू।